नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले बाइनरी प्लान मैचिंग इनकम क्या होती है। ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है, ठीक है। पार्ट वन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि एटॉमी में जो बाइनरी मैचिंग होती है उसमें पर्सनल पीवी के अकॉर्डिंग कितने लेवल्स होते हैं और पर्सनल पीवी के आधार पर लेवल्स कितनी होती है। और पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था कि आप पर्सनल पीवी के अकॉर्डिंग जो लेवल्स आपको अचीव हुए हैं उसमें कितना स्कोर आपको मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो पॉइंट वाइज हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके हैं जो पिछले वीडियो हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो फर्स्ट पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो हैं वो आप देखिए, ताकि ये जो पार्ट थर्ड है इसमें हम एटॉमी बाइनरी मैचिंग प्लान पे आउट स्कोर सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपको बाइनरी मैचिंग से कितना अर्निंग होगा, ठीक है, एटॉमी के अंदर। तो फर्स्ट टू पार्ट्स आप देखिए, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखेंगे तो आई एम एश्योर यू कि आपके एटॉमी बाइनरी मैचिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपका कन्फ्यूजन है प्लान को लेकर, कंपनसेशन प्लान को लेकर, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो कृपया करके फर्स्ट टू वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। और जो नए रीडर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एटॉमिक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहे ताकि बाइनरी मैचिंग प्लान का पे आउट स्ट्रक्चर और पीवी रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी यहाँ पे आज दूर हो जाएगी। तो कृपया करके इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अगर आप एटॉमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एटॉमी से रिलेटेड आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और एटॉमिक से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, पूरी तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा। जैसा कि सभी को मालूम है इंडिया के अंदर एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम एंड ट्रेनिंग के अंदर टीम वॉरियर नंबर वन पे है ऑलरेडी, ओके। उसमें मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू रहिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी प्लान्स के जो लेवल्स हैं कितने लेवल्स हैं एज पर पर्सनल पॉइंट वैल्यू, उसके बाद स्कोर कितना मिलेगा आपको मैचिंग में, ठीक है। थर्ड है अप्रोक्सीमेट पे आउट। ये अप्रोक्सीमेट वर्ड जो है वो इसलिए यूज़ किया हमने क्योंकि इंडिया का प्राइस और पॉइंट वैल्यू अलग अलग प्रोडक्ट्स का जितने भी कैटेगरीज हैं उनका अभी आया नहीं है, तो हम अप्रोक्सीमेट एक रफ इनकम के हिसाब से प्लान को रेडी करेंगे और आपको समझाएंगे कि अप्रोक्सीमेट आपको इतना इनकम मिलेगी एज पर पॉइंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू यूएसए प्लान, आपको ये सब बताएंगे। और जब एटॉमी इंडिया का प्राइस वैल्यू और पीवी आएगा तब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको इंडिया के अंदर किस तरीके का पे आउट मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो जो पे आउट का स्केल है वो आपसे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये बाइनरी इनकम है, यहाँ पे आपको 44%, ठीक है, जो भी 70-30 करे 70% में से 44% जो एटॉमी है वो बाइनरी के रूप में आपको प्रदान कर रही है और 44% जो कमीशन आपको दे रही है उसको 8 लेवल्स में स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये जो 8 लेवल हैं इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सनल आईडी पे, सबसे पहला लेवल मैं आपको बताऊँगा, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जो बाइनरी प्लान की जो इनकम है दोस्तों, ये इनकम आपको डेली बेसिस पे मिल सकती है अगर आपने क्वालिफाई किया तो डेली, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे अप टू 3-3 लाख तक है। मिनिमम पैसा आपको तब मिलेगा जब 3-3 लाख पीयू का आपका एक दिन में मैचिंग हो जाएगा, या 1 तारीख को 2 लाख है, राइट में 1 लाख है, आज के दिन मैच नहीं हुआ लेकिन आज के दिन जो 3 लाख पीवी आपके नीचे बिजनेस हुआ ये आपका अपलाइन का अकाउंट होगा। और डेली जो पीवी गिरता है एटॉमी के अंदर ग्लोबली, वो डेली की डेली ग्लोबल मैचिंग पीवी में पूल में जाता है और फैक्टर एन से उसकी वैल्यू निकलती है, यानी कि जितना भी ऑनलाइन परचेजिंग होती है इंटरनेशनली एक दिन में जितने पॉइंट वैल्यू आते हैं एटॉमी के ग्लोबली, वो सब के सब पॉइंट वैल्यू कैलकुलेशन में जाते हैं ग्लोबल एन फैक्टर में, वहाँ से कैलकुलेशन डिसाइड होती है, एन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, ठीक है। एन फैक्टर के बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है, काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, दूसरे टीमों के जो क्रॉस लैग के लीडर्स हैं मेरे को काफ़ी टाइम से कॉल करते रहते हैं तो उनका कुछ कन्फ्यूजन था, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी का कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिनका प्लान क्लियर नहीं है। अगर आपका प्लान क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपका प्लान भी यहाँ पर क्लियर होगा। तो बाइनरी इनकम का जो पे आउट है वो आपको डेली बेसिस पे
डेली बेसिस पे जो आपको इनकम मिलेगी, मैचिंग मिलेगी, ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। डेली अगर आपका मैचिंग है तो आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में डेली क्रेडिट होगा, लेकिन वीकली विड्रा कर सकते हो। बाइनरी इनकम का जो पैसा संडे को छोड़ करके और नेशनल हॉलीडे को छोड़ करके आपका डेली मैचिंग पीएफ का जो पैसा है, हर 24 घंटे के बाद कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेशन के बाद आपके अकाउंट में उतना अमाउंट आएगा, लेकिन विड्रावल है वो वीकली है, ठीक है। 1 महीने में 4 बार आप बाइनरी इनकम निकाल सकते हो, डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन निकाल नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो बाइनरी इनकम का जो पे आउट है डेली बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, और जब आपका 3-3 लाख पे मैच होता है फर्स्ट लेवल पे, तब से वो स्टार्ट होता है। आज मैच नहीं हुआ, कल कैरी फॉरवर्ड होगा या परसों कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ ओनली फर्स्ट लेवल के लिए है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। मिनिमम 1 दिन में 3-3 लाख पे मैच हो गया तो आपको उतना, और ये जो पैसा मैं आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ ये वाला, ये फिक्स नहीं है, ये एज पर यूएसए प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। ये पैसा आज $25 है, हो सकता है कल 20 मिल जाए, हो सकता है 18 मिल जाए। तो ये जो पैसा है डेली ग्लोबल मैचिंग पीवी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पीवी गिर रहा है और जो स्कोर है आपका कितना मैचिंग स्कोर है उस लेवल पे, और उस मैचिंग स्कोर के लेवल पे कितने लोग हैं इंटरनेशनली उस लेवल पे, तो वो स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो एन फैक्टर, दूसरा आपका कितना स्कोर है, और एन फैक्टर से जो वैल्यू निकल के आएगी वो एज पर उस लेवल पे कितने लोग हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उस लेवल पे, ठीक है। तो ये जो पैसा, ये अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं है, इंडिया के प्लान के हिसाब से नहीं है, नहीं है ये प्लान। ये जो पे आउट बता रहा हूँ मैं, ये अप्रोक्सीमेट एक रफ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का पॉइंट वैल्यू और प्राइस अभी आया नहीं है। जब पॉइंट वैल्यू और प्राइस आएगा तब आपको अप्रोक्सीमेट पे आउट हम बताएंगे, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि एंड फैक्टर की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है डेली बेसिस पे, ठीक है। और ये यूएसए के हिसाब से मैं आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, कि इस लेवल पे आपको इतना इतना पैसा मिल सकता है और वो वैरी होता रहेगा ये वाला जो पैसा है, ठीक है। सेकंड चीज, वीकली यहाँ पे पेआउट मिलेगा, डेली क्लोजिंग है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दूसरी कंपनियों की तरह यहाँ पे आपको डेली वेट नहीं करना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए। डेली आपका अगर पॉइंट वैल्यू मैच कर रहा है लेफ्ट एंड राइट का, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट का मैचिंग है ये, अगर इतना इतना मैचिंग कर रहा है तो डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और वीकली उसको विड्रा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको महीना महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे। तो चलिए बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे 10,000 पॉइंट वैल्यू एटोमी। ये बोलती है कि आप एटोमी के अंदर, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन फ्री है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 2,000, 3,000, 4,000 जो भी हो, ठीक है। ये कई लोगों का डाउट होता है कि 10,000 पॉइंट वैल्यू कितने रुपए में होगा, तो दोस्तों उसका मैं अभी बताऊंगा, अप्रोक्सीमेट रुपए बताऊंगा, ठीक है। कोरिया में 2,000 में 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाता है, यूएसए में 3,500 में हो जाता है ना। इंडिया में कितना होता है, जब इंडिया का प्राइस और वैल्यू आएगा अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग पॉइंट वैल्यू, तो जिस प्रोडक्ट का 10,000 पॉइंट वैल्यू होगा आप वो प्रोडक्ट बाय कीजिए, वो 2,000 में होता है, 3,000 में, 4,000 में, उसका रेट अभी आया नहीं है तो उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो 10,000 पॉइंट वैल्यू कितने रुपए में होगा वो इंडिया का प्राइस और पीवी इस महीने के एंड तक शायद आ जाएगा, तब आप कैलकुलेशन कर लेना वो, ठीक है। अगर आपको टीम की इनकम लेनी है, आपकी लेफ्ट की टीम और राइट की टीम की अगर आपको इनकम लेनी है, तो मिनिमम 10,000 पॉइंट वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो सेल्फ लेवल है, डीलरशिप लेवल, यहाँ पे आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपका जो आईडी है उसके नीचे लिख करके आएगा कि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो चुके हो, और आपको स्कोर इतना मिलेगा 5। जब 3-3 लाख की मैचिंग हो जाएगी आपकी तो स्कोर 5 मिलेगा, ये स्कोर फिक्स है, ये सब स्कोर फिक्स है, ठीक है। 3-3 लाख की मैचिंग होने पर ग्लोबल फैक्टर एन से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उस लेवल पे कितने लोग 3-3 लाख की मैचिंग हो रही है और कितने लोग उस लेवल पे हैं, उसके हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेट इतना रुपये मिल सकता है, 1,500, 1,600, 1,700 मिल सकता है, 2,000 भी मिल सकता है ना। डिपेंड करता है कि उस दिन एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है। सेकेंड लेवल 3 लाख, अगर आपकी पर्सनल आईडी पे 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है, और जो पर्सनल आईडी पे पॉइंट वैल्यू है, एक बार आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया तो 1 साल तक के लिए ये आपके अकाउंट में लॉक हो जाता है। अगले साल एक प्रोडक्ट बाय कीजिए, जो भी पॉइंट वैल्यू रहेगा वो कंटिन्यू आपकी आईडी पे बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हर महीने आपको रिपर्चेज नहीं करना है, कंपनी ने कभी ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो पर्सनल आईडी पे जो भी पॉइंट वैल्यू गिरेगा वो पॉइंट वैल्यू आपके अकाउंट में लॉक हो जाएगा, और जो लेफ्ट एंड राइट टीम का मैच होगा 1 दिन में, वो मैच होने के बाद आपको पैसा मिलेगा और वो 0 हो जाएगा 24 घंटे में, ठीक है। अगले दिन फिर आपको 0 से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि एक एक बार आपने 3-3 लाख मैचिंग कर दिया और इतना पैसा आपको मिलता रहेगा डेली बेसिस, ऐसा नहीं है। डेली का बिजनेस होगा,
डेली आपको पैसा मिलेगा, वीकली विदड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल आईडी पे कितना पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पर्सनल आईडी पे सेकंड लेवल 3 लाख भी हो जाता है तो यहाँ पे आपका रिकॉग्निशन एजेंट का हो जाता है और आपको स्कोर मिलता है 15 का, और 3-3 लाख की मैचिंग होने पर इस लेवल पे आपको कंपनी $70 के आसपास देती है। डिपेंड करता है ग्लोबल एंड फैक्टर में उस दिन का कितना रुपया उस लेवल पे मिलेगा। ग्लोबल एंड फैक्टर टोटल इंटरनेशनल ग्लोबल मैचिंग पे डिवाइडेड बाई पर्सनल स्कोर, उस लेवल पे कितने लोग हैं, 15 का स्कोर कितने लोगों को मिल रहा है, इंटरनेशनल 1000 लोग हैं, 2000 है, 3000 है, और उन लोगों ने कितना पॉइंट वैल्यू किया, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 लाख पीवी लेफ्ट में 3 लाख पीवी राइट में एक तरफ ज़्यादा पीवी हो जाता है और दूसरी तरफ 3 लाख होता है तो आपको 3-3 लाख का मैचिंग मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा पीवी गिरता है वो एन फैक्टर की वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर कोई क्रॉस लेग का बंदा 10-10 लाख पॉइंट वैल्यू करता है इस लेवल पे, ठीक है, उसको भी उतना पैसा मिलेगा जितना आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगर आपने 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच किया है तो आपको 15 का स्कोर मिलेगा और अप्रोक्सीमेट इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन किसी बंदे ने 10-10 लाख पॉइंट वैल्यू कर दिया है इस सेकंड लेवल पे तो उसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट वैल्यू है वो एन फैक्टर की वैल्यू को बढ़ा देगा। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि आपने बिजनेस किया लिमिटेड, उसने किया बहुत ज़्यादा, तो उसने जो ज़्यादा किया उसका बेनिफिट सबको मिलेगा इंटरनेशनली उस लेवल पे, ठीक है। थर्ड लेवल है 7 लाख पॉइंट वैल्यू। तीसरे लेवल पे अगर आपकी आईडी पे 3 लाख से 7 लाख के ऊपर आपको जाना है तो 4 लाख का पॉइंट आपको और बाई करना है, प्रोडक्ट्स बाई करने हैं, तो 7 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपके अकाउंट में रहेगा। तो यहाँ पर आप कहलाओगे स्पेशल एजेंट, आपका जो आईडी के नीचे लिख करके आ जाएगा स्पेशल एजेंट, और यहाँ पे स्कोर है वो आपको 30 का है, ये फिक्स है, ठीक है। 30 का स्कोर मिलेगा और पैसा तब पैसा मिलेगा आपको 7-7 लाख जब आपका मैच हो जाता है। तो इस 7-7 लाख के ऊपर अगर एक दिन में 7-7 लाख का पॉइंट वैल्यू मैच हो गया तो अप्रोक्सीमेट इतना रुपये मिलेगा। डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एन फैक्टर की वैल्यू उस दिन कितनी आई है इंटरनेशनली कैलकुलेशन से, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट है, ठीक है, अगर आपका पर्सनल पीवी 7 लाख है और आपका मैचिंग 3-3 लाख का हुआ तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 15 पॉइंट मिलेगा और ये इनकम मिलेगी आपको, ठीक है। आपका लेवल 7 लाख है, आपका 3-3 लाख का मैचिंग होता है तो 3-3 लाख का कितना स्कोर है, 15 लाख, तो ये 15 पॉइंट का इतना रुपये मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यानी कि मिनिमम आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर 15 लाख पे है, 24 लाख, अगर एक बार आपका एक दिन में अगर 3-3 लाख पीवी मैच हो गया तो सेम डे 24 घंटे में आपको जितना वैल्यू आएगा उतना मिलेगा। अगर एक दिन में आपका 7-7 लाख मैच हो गया तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। मिनिमम मैचिंग ये है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो थर्ड लेवल पे क्लियर हो गया पर्सनल आईडी, तो इसके लिए आप हमारे पिछले 2 वीडियो देखिए, उस पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फोर्थ लेवल है 15 लाख आईडी पे हो जाता है पर्सनल आईडी पे, यहाँ पे आप डीलर कहलाएंगे, ठीक है, और डीलर कहलाएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी स्कोर देगी 60 का। अगर 15-15 लाख आपका एक दिन में मैच कर रहा है तो कंपनी यहाँ पे आपको इतना रुपए देगी, $250 के आसपास, डिपेंड करता है कि एन फैक्टर पे इस दिन का कितना वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। अगर आपका 15 लाख पे भी है, अगर आपकी आईडी आपके लेफ्ट एंड राइट में एक दिन में अगर 7 लाख का मैचिंग हो गया तो इतना स्कोर से इतना पैसा मिलेगा, अगर 3-3 लाख का हो गया तो इतने स्कोर से इतना मिलेगा। कुछ लीडर्स यहाँ पे गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी पर्सनल आईडी पे 15 लाख पीवी है, वो बोल रहे हैं कि जब तक 15-15 लाख मैचिंग नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर 3-3 लाख हो गया तो इसके स्कोर के हिसाब से ये पैसा मिलेगा आपको, 7 लाख हो गया तो इसके स्कोर के हिसाब से ये मिलेगा। 15-15 लाख तक वेट नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड नहीं है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड अप टू 3-3 लाख है, ये आप समझिए, ठीक है। ये कंपनी बोल रही है कि एक दिन में अगर 15-15 लाख पीवी मैच हो जाता है तो आपको 60 का स्कोर मिलेगा और इतना पैसा मिलेगा। अगर 3-3 लाख हो गया तो 3-3 लाख, यहाँ तक कंपनी आपको डेली वेट नहीं कराएगी कि भाई एक महीना लगेगा 15-15 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होने में आपका, तब आपको पैसा मिलेगा का, ऐसा नहीं है। तो वो मिसगाइड कर रहे हैं आपको, 15-15 लाख पीवी अगर एक दिन में हो जाता है तो इतना मैक्सिमम स्कोर मिलेगा आपको 60 का। अगर 3 लाख हो गया तो 3 वाला स्कोर मिलेगा, 7 लाख हो गया तो 30 का स्कोर मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल एंड लूसिड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, पर्सनल आईडी पे अगर आपका 24 लाख का पॉइंट वैल्यू होता है तो आप यहाँ पे ईडी बन जाओगे, एक्सक्लूसिव डायरेक्टर, और यहाँ पे कंपनी आपको 90 का स्कोर देगी जो फिक्स है, और एक दिन में अगर 24-24 लाख का लेफ्ट एंड राइट में मैच होता है तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट इतना रुपये मिलेगा। डिपेंड करता है कि एन फैक्टर की वैल्यू उस दिन कितनी आ रही है ग्लोबली, ठीक है। अगर ये 24 लाख पॉइंट वैल्यू मैक्सिमम है एक आईडी पे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप 24 लाख पॉइंट वैल्यू एक आईडी पे मैक्सिमम बाई कर सकते हैं। 24 लाख पॉइंट वैल्यू से ज़्यादा का सामान आप बाई नहीं कर सकते एक आईडी में, चाहे आप एक साल में अपनी आईडी पे 24 लाख लेकर के जिए,
चाहे 6 महीने में, चाहे 2 साल, चाहे 8 साल, 10 साल, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी टीम का कितना पॉइंट वैल्यू गिर रहा है लेफ्ट एंड राइट में, कितना जा रहा है लेफ्ट एंड राइट में। अगर ज़्यादा पॉइंट वैल्यू जा रहा है तब आपको उसकी इनकम देने के लिए पर्सनल आईडी पे पीवी बढ़ाना होता है, कंपनी कभी नहीं बोलेगी आपको, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो एक आईडी पे फिफ्थ लेवल पे मैक्सिमम आपने 24 लाख पॉइंट वैल्यू बाई कर लिया, 15 लाख में ऐड कर दिया आपने 9 लाख हो, तो आपका 24 लाख हो गया। तो एक साल के लिए 24 लाख पॉइंट वैल्यू आपकी आईडी पे बना रहेगा, अगले साल इस पॉइंट वैल्यू को कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक प्रोडक्ट बाई करना होगा एज पर एटोमी की टर्म्स एंड कंडीशन, कि साल में एक प्रोडक्ट आपको बाई करना है और आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी और वो पीवी जो है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा आपके पर्सनल आईडी पे। और जो ग्रुप पीवी है लेफ्ट एंड राइट का जो मैचिंग है, मैचिंग होने के बाद सारा पॉइंट वैल्यू जीरो होता है और अगले दिन आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो एक दिन में 24 लाख पॉइंट वैल्यू होता है, तो ईडी बन जाते हो आप यहाँ पे और 90 का स्कोर आपको मिलेगा। 24 24 लाख की मैचिंग होते हैं, 90 का स्कोर, इस स्कोर पे आपको इतना रुपये मिलेगा, डिपेंड करता है कि इन फैक्टर में कितना वैल्यू आ रहा है उस दिन का। नेक्स्ट लेवल है चौथा, ये फिक्स हो गया 24 लाख 24 लाख 24 लाख 24 लाख, आगे तक फिक्स है। आपको अभी अगले साल में सिर्फ एक छोटा प्रोडक्ट बाई करना है ताकि ये पॉइंट वैल्यू कंटिन्यू आपके आईडी पे बना रहेगा। तो यहाँ पे आप ईडी रहोगे सेम, ठीक है, यहाँ पे आपका 60 लाख पॉइंट वैल्यू मैच करता है, 60 लाख, और 150 का स्कोर कंपनी यहाँ पे आपको देगी, इसके हिसाब से इतना पैसा मिलेगा उस दिन का। एक दिन में अगर इतना हो जाता है 60 60 लाख, अगर एक दिन में आपका 3 3 लाख मैचिंग हो रहा है और आपका आप इस लेवल पे हो चढ़े लेवल पे, तो दोस्तों आपको 3 3 लाख के हिसाब से ये पैसा मिलेगा, ठीक है ना। मिनिमम 3 लाख मैचिंग रिक्वायर्ड, अप टू 3 लाख कैरी फॉरवर्ड है, उसके बाद कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं। और 60 60 लाख अगर एक दिन में मैचिंग हो जाता है या इससे ज़्यादा मैचिंग होता है तो स्कोर यही रहेगा, ये स्कोर फिक्स है, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा पीवी किया है वो एन फैक्टर की वैल्यू को बढ़ा देता है, तो ये अप डाउन होता रहता है पैसा, ठीक है। नेक्स्ट 24 लाख पीवी पर्सनल आईडी पे ईडी आप हो 2 करोड़ पीवी लेफ्ट में, 2 करोड़ पीवी राइट में अगर मैचिंग होती है तो यहाँ पे आपको कंपनी 250 का स्कोर देगी और इतना रुपये मिलेगा उस दिन का, डिपेंड करता है कि एन फैक्टर पर कितना है। नेक्स्ट 24 लाख पॉइंट वैल्यू ईडी रहोगे आप, अगर 6 करोड़ पॉइंट वैल्यू लेफ्ट में, 6 करोड़ पॉइंट वैल्यू राइट में गिरता है, मैच करता है एक दिन में, तो आपको 300 का स्कोर मिलेगा जो कि लिमिट है कंपनी की, ठीक है, ये लिमिट है। तो आपको कंपनी $1500 के आसपास, 1 लाख रुपए के आसपास उस दिन का देगी। अगर यहाँ पे आपका 10 करोड़ हो गया, यहाँ पे 10 करोड़ या 50 करोड़ हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा पीवी है ग्लोबली एंड फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाएगा वो उस लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गई होगी। पर्सनल पीवी के आधार पे, पॉइंट वैल्यू के आधार पे आपको लेवल्स दिया जाता है, डीलरशिप लेवल्स जिसको बोलते हैं, और जो स्कोर है ये स्कोर फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। लेफ्ट एंड राइट में इतनी इतनी मैचिंग करोगे तब ये स्कोर आपको मिलेगा, और ग्लोबल एंड फैक्टर के हिसाब से जो कैलकुलेशन में पैसा निकल के आएगा उस लेवल पे कितने बंदे हैं उस स्कोर पे इंटरनेशनली, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो। और ये जो पैसा है ये वेरी करता रहता है, ऊपर नीचे बढ़ता रहता है, एंड फैक्टर अप डाउन चलता रहता है एक दिन के अंदर कैलकुलेशन जो होती है, ठीक है। बाइनरी इनकम आपको वीकली विड्रा कर सकते हैं, ठीक है, वो डेली मैचिंग उठा सकते हैं एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलीडेज। तो ये 44% जो बाइनरी प्लान मैंने बताया है, आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको अच्छी तरीके से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए मेरे को, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर होता है तो हम एक वीडियो और बनाएंगे, और आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले कि जो 2 वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो आप देखिए, बाइनरी इनकम पे आउट से लेकर के, बाइनरी प्लान के पे आउट से लेकर के सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये 3 वीडियो आप देखिए और अपनी टीम को दिखाइए, उनको एजुकेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टीम वॉरियर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको और आपकी टीम को। और सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कीजिए, लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस चैनल के साथ आप बने रहिए, डेली बेसिस पे मैं नए नए वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।